संघर्ष में बालको लगातार अपना योगदान कर रहा है। बालको ने हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स रायपुर को 1000 पीपीई किट, 500 एमएल के, 500 बॉटल सैनिटाइजर और 5000 सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा लगातार बालको की ओर से गरीबों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराने का पुण्य कार्य भी लगातार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बालको के इन कार्यों की सराहना की है और धन्यवाद ज्ञापित भी किया है। एक रिपोर्ट। मंत्री भूपेश बघेल ने मिसेस भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको द्वारा कोरोना के खिलाफ संघर्ष में महत्वपूर्ण कार्यों की सराहना की है। सीएम ने कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए चिकित्सकीय सामग्री उपलब्ध कराने और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने में बालको द्वारा किए जा रहे सहयोग की सराहना की है। आपको बता दें कि मिसेस भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बालको द्वारा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स रायपुर को 1000 पीपीई किट एवं 500 ml के 500 बॉटल सैनिटाइजर तथा 5000 सर्जिकल मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। बालको द्वारा मुहैया कराए गए चिकित्सा संबंधी सामग्री में से उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने 300 पीपीई किट जिला बस्तर और 200 पीपीई किट जिला प्रशासन सुकमा को सौंपा है। कोविड-19 से लड़ने की दिशा में बालको द्वारा प्रतिदिन लगभग 1000 जरूरतमंद नागरिकों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों की मदद से बालको क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों की पहचान की गई है और 500 परिवारों तक एक महीने का सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। बालको द्वारा बालको टाउनशिप संयंत्र परिसर, बालको नगर के विभिन्न वार्डों, बालको अस्पताल, कोरबा और कटघोरा के शासकीय कार्यालयों में सैनिटाइजेशन भी कराया गया है। कोरबा के ESIC अस्पताल परिसर में प्रशासन के मार्गदर्शन में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल स्थापित करने एवं विभिन्न उपकरणों की उपलब्धता में भी बालको ने योगदान दिया है। इसके अलावा समुदाय में 10,000 मास्क वितरित किए गए हैं। बालको द्वारा कोरबा में 2 क्वारंटाइन सेंटर स्थापित किया गया है। एक होटल रिलैक्सिन व होटल ग्रीन पार्क को बनाया गया है जिसमें कुल 62 कमरों की व्यवस्था की गई है। बालको प्रबंधन द्वारा कोरोना को हराने के लिए किए जा रहे इन तमाम प्रयासों की सभी तारीफ कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर बालको प्रबंधन की इन सभी प्रयासों का उल्लेख करते हुए संस्थान के प्रति आभार व्यक्त किया है। बालको प्रबंधन ने आने वाले दिनों में भी कोरोना के खिलाफ संघर्ष में अपना हर संभव योगदान देने की सहमति जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।